बाबर की विरासत को इस देश से पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। किसी को भी आज के मुसलमानों की पहचान को इस इंसान से जोड़ने का गुनाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरह से एक सच्चा मुसलमान नहीं है। बाबर चंगेज खान के बाद की तीसरी पीढ़ी है। ये मंगोल साम्राज्य, मंगोल शब्द भारत में धीरे धीरे मुगल बन गया, ये मंगोल है। इस मंगोल साम्राज्य के फैलाव के समय 90 से 100 सालों के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। 4 करोड़, ये उन दिनों की आबादी का लगभग 10% है। क्या आप समझ रहे हैं, दुनिया की 10% आबादी को उन्होंने मार दिया, वो भी न्यूक्लियर बम से नहीं, तलवारों से। बहुत ऊर्जावान लोग थे। मैं कह रहा हूं, दुनिया की 10% आबादी को मारने के लिए बहुत काम करना पड़ता है ना, वो भी केवल तलवारों और भालों से। तो जहां भी चंगेज खान गया, उसने एक नियम बनाया। जिस भी जगह पर उसने विजय पाई, सभी पुरुष, वहां के सभी पुरुष जिनका कद बैलगाड़ी के पहिए से ज्यादा है, उन दिनों सेनाओं के साथ जाने वाली बैलगाड़ियों के पहिए की ऊंचाई 38 से 39 इंच होती थी। हर इंसान जिसका कद उससे ज्यादा है, उसे मार दिया जाता था। और फिर ये मुगलों की परंपरा थी कि वो सभी कटे हुए सिरों का एक बड़ा पहाड़ बना देते थे और औरतों को गुलाम बना लिया जाता था, सैनिकों की सेवा के लिए, या फिर उन्हें अलग अलग बाजारों में बेच दिया जाता था। मध्य पूर्व, यूरोप, हर जगह उन्हें बेच दिया जाता था। तो वो इस तरह से फैले थे। चंगेज खान के बाद तैमूर लंग आया। तैमूर लंग ने बाबर को जन्म दिया। तैमूर लंग का साम्राज्य दिल्ली तक था। फिर बाबर आया। माना जाता है तैमूर लंग ने 1,70,00,000 लोगों को मार दिया, वो भी सबसे ज्यादा क्रूर तरीकों से। पुरुषों के साथ जो हुआ वो तो करुणा थी, महिलाओं के साथ जो हुआ वो एक अलग चीज है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन उनके साथ सबसे भयंकर चीजें हुई। जब बाबर आया तो उस दौरान गुरु नानक भी मौजूद थे। गुरु नानक एक बहुत ही शांत, बिल्कुल प्रतिक्रिया न करने वाले और एक आत्मज्ञानी मनुष्य थे। वो बोले, एक मौत का दूत आया है, और ये उन्हीं के शब्द हैं। वो बोले, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, वो बोले, ये जहां भी गया इसने हजारों लोग मार दिए। जिस भी शहर में ये गया, इसने सभी पुरुषों को मार दिया, शहर को जला दिया, स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बना लिया। स्त्रियों के साथ हमेशा सार्वजनिक जगहों पर क्रूरता से बलात्कार किया जाता था, क्योंकि ये सिर्फ बलात्कार नहीं था, ये सभी के लिए एक सीख थी। और बाबर ने हजारों हिंदू स्त्रियों को कंधार और काबुल के बाजारों में बेच दिया, हजारों स्त्रियों को। सौभाग्य से वो भारत में सिर्फ 4 साल रहा और वो मर गया। तो बाबर की विरासत को इस देश से पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। इन सब से बढ़कर किसी को भी कभी भी आज के मुसलमानों की पहचान बाबर से नहीं जोड़नी चाहिए, क्योंकि वो इतना बड़ा अत्याचारी था कि वो अत्याचार नहीं करता था, वो खुद एक अत्याचार था। चंगेज खान धर्म के लिए नहीं मारता था, वो बस ताकत और विजय पाना चाहता था। तैमूर लंग भी काफी हद तक विजय ही पाना चाहता था, पर उसमें थोड़ा सा धार्मिक रंग था। लेकिन बाबर ने चीजों को धार्मिक मायने देकर उनका बहुत शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल किया, और इससे उसे मारने के लिए और ज्यादा ताकत मिल गई, क्योंकि उसे लगा वो जिहाद कर रहा है। कई बार उसने मुस्लिम शहरों पर भी हमले किए, मुस्लिम आबादियों को भी उसने मारा। तो उसने धर्म का अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल किया, अपने हिसाब से।
तो उसका मस्जिद बनाना धार्मिकता या भक्ति की वजह से नहीं था। ये प्रार्थना के लिए नहीं बनाई गई थी, ये भी शासन की स्थापना का एक तरीका था। चाहे वो हिंदू मंदिर हो या जैन मंदिर, उसने सब कुछ तोड़ा। उसने एक प्रमुख जैन मंदिर इसलिए तोड़ दिया क्योंकि वहां की गुफा में उन्होंने नग्न मूर्तियों की निकासी की थी, तो उसने ये सुनिश्चित किया कि पूरा मंदिर ही नष्ट हो जाए। इस इंसान और उसकी विरासत को भुला दिया जाना चाहिए। किसी को भी अपनी पहचान इसके आधार पर नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इससे एक अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं होगा। किसी को भी आज के मुसलमानों की पहचान को इस इंसान से जोड़ने का गुनाह नहीं करना चाहिए क्योंकि ये किसी भी रूप में एक सच्चा मुसलमान नहीं है, ये किसी भी तरह का भक्त नहीं है, ये सबसे बुरी किस्म का तानाशाह है जिसने धर्म के नाम पर बहुत ही शक्तिशाली तरीके से खुद को असरदार बनाया। जहां कहीं भी वो गया, इससे उसे एक नए स्तर का अधिकार मिल गया जो चंगेज खान के पास नहीं था क्योंकि उसने विजय पाने के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये अत्याचार हुए हैं, हमें इन चीजों को नहीं भूलना चाहिए, हमें इन्हें याद रखना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर इसे लेकर कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी चीजें दुनिया में कहीं भी फिर कभी ना हो। लेकिन अगर इतिहास की वजह से हम कड़वाहट पैदा करते हैं तो जानबूझकर या अनजाने में हमसे वही अत्याचार एक बार फिर से होने की गुंजाइश है। हमें लगता है प्रतिक्रिया अच्छी चीज है, नहीं, प्रतिक्रिया किसी भी भयंकर काम से किसी भी रूप में अच्छी नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो बाबर की विरासत जानी ही चाहिए।